आग का आविष्कार कैसे हुआ? दोस्तों, आग का आविष्कार आदि मानव काल में ही हो गया था, क्योंकि जंगलों में रहने वाले आदि मानव जंगली जानवरों से बचने के लिए आग का उपयोग किया करते थे। और कहा यह भी जाता है कि आदि मानव ने आग की खोज पत्थरों को आपस में रगड़ के की थी। जब वो पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे थे, तब गलती से पत्थर एक दूसरे के ऊपर गिरे और आदि मानव ने पत्थरों के टकराने से उत्पन्न चिंगारी को देखा और कुछ इस तरह से आग की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, शुरुआती समय में आदि मानव आग से डरता था, लेकिन बीतते समय के साथ साथ आदि मानव आग के बारे में जानने लगा। शुरू में आदि मानव जहाँ भी गुफाएं देखते वहीं पर वह रहने लगते, अन्यथा वे बड़े बड़े पेड़ों की पत्तों वाली शाखाओं के बीच अपने लिए शरण स्थान बना लेते थे। उन्हें दो चीजों का भय रहता था, एक मौसम का और दूसरे जंगली जानवरों का। आदि मानव नहीं जानता था कि बादल क्यों गरजते हैं या बिजली क्यों चमकती है, और जब किसी चीज का कारण समझ में नहीं आता तो ऐसे में कोई भी आदमी उससे भयभीत ही रहता है। बाघ, शेर और चीता जैसे खूंखार जानवर जंगलों में घूमते रहते थे। इन सभी जानवरों की तुलना में मनुष्य कमजोर था, इसलिए उन्हें या तो गुफाओं और पेड़ों में छुपकर अपनी रक्षा करनी पड़ती थी या फिर अपने अनगढ़ हथियारों से उन्हें मार डालना पड़ता था। पर इन सभी जानवरों से रक्षा पाने का केवल एक ही उपाय था, और वो था आग। रात के समय जब सभी प्राणी गुफा में आ जाते, उसके बाद गुफा के मुंह पर आग लगा दी जाती थी। आग के डर से जानवर गुफा के अंदर नहीं आ सकते थे। शीतकाल के तूफानी रातों में आग ही उन्हें आराम तथा सुरक्षा प्रदान करती थी। लेकिन जब तक आदि मानव ने इसको नियंत्रित करना नहीं सीखा, तब तक इसका सही उपयोग नहीं हुआ। आग का सही प्रयोग लगभग 2 लाख सालों पहले पता चला, और इतिहास में आग को उत्पन्न करने की एक और विधि सामने आई, जिसका नाम था घर्षण विधि। दोस्तों, घर्षण विधि की सहायता से आग को बहुत ही आसानी से उत्पन्न किया जा सकता था। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आग को उत्पन्न किया जा सकता है। दोस्तों, अगर सही मायने में देखा जाए तो आग की उत्पत्ति आदि मानव के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि शुरू में आदि मानव मांस को कच्चा ही खाते थे, पर आग ने उन्हें भोजन को पकाना सिखाया। उनका जीवन पूरी तरह आग पर निर्भर होने लगा। उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, और लगभग 40 लाख सालों के बाद आज हम इंसान ऐसे दिखते हैं। दोस्तों, आज के समय आग का क्या महत्व है, ये आप और हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आज के जीवन में आग कितना उपयोगी है। यदि आग नहीं होती तो आज मानव जीवन इतना सरल नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने पर क्या किया जाता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।